जवाब देना पड़ेगा असली हाइब्रिड कारें कौन सी होती हैं जो 2024 में फाती बाज़ार में आती हैं कौन सी हाइब्रिड कारों को कारगुरु फर्जी हाइब्रिड कह के बुलाते हैं और कौन सी एक्चुअल में हाइब्रिड होती ही नहीं है हम जबरदस्ती उनको सर पर बैठा बैठे हुए हैं इनसे क्या फायदे क्या नुकसान है और क्यों यह बहुत महंगी होती है सब समझते हैं इसी वीडियो के साथ यानी हाइब्रिड का एनसाइक्लोपीडिया कह लीजिए इस वीडियो को और इसलिए लाइक like या डिसलाइक करने में संकोच ना करें पहले लाइक like कर लें या डिसलाइक कर लें फिर वीडियो देख लें कोई दिक्कत नहीं है मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुल पहले हाइब्रिड कहते कैसे आसान भाषा में टेक्निकली देखा जाए तो जो कारें तो दो डिफरेंट तरह के फ्यूल पर चल सकती हैं उन्हें हम हाइब्रिड कारें कहते हैं पेट्रोल और सी हो सकता है पेट्रोल और डीजल हो सकता है पेट्रोल एलपीजी हो सकता है पेट्रोल इलेक्ट्रिक हो सकता है और भी जो आ जाए उन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं। को हाइब्रिड नहीं कहते हैं अगर कोई कार दो डिफरेंट तरह के फ्यूल पर हो लेकिन एक टाइम पर एक फ्यूल पर ना चल सके जो दूसरा ऑप्शन है उन्हें हाइब्रिड नहीं कहते जैसे पेट्रोल पे चले बगैर सीएनजी के दम पे हाइब्रिड सीएनजी पे चले बगैर पेट्रोल के दम पर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पे चले बगैर पेट्रोल इंजन के हाइब्रिड पेट्रोल पे चले बगैर इलेक्ट्रिक सेटअप के हाइब्रिड लेकिन जब दोनों एक साथ चले कभी भी इलेक्ट्रिक पे ना चल पाए उसे कहते हैं फौजी हाइब्रिड यानी वो कार जिनमें मोटर लगी है मगर चला नहीं सकती गाड़ी को हिला भी नहीं सकती अपने दम पे दो चार किलोमीटर तो छोड़ दो चल एक पहिया भी नहीं घुमा सकती उन कारों को मैं अपनी लैंग्वेज में फर्जी हाइब्रिड कह के, के बुलाता हूँ या आप उसे माइल्ड हाइब्रिड कह सकते हैं और आजकल तो कुछ कावा कंपनी ने तो माइक्रो हाइब्रिड वर्ड भी चला रखा था, था जो एक्चुअल में पूरी तरह से फर्जी है इसका कोई लेना देना नहीं तो असली हाइब्रिड कारें वो होती हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रिक पर भी चला सके तो यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारों के बारे में बाजार में ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो कि असली हाइब्रिड कार है पहले उनकी बात करते हैं और फर्ची को तो आप समझ गए नहीं समझे तो अभी वीडियो के अंत में इंतजार कीजिएगा पहले बात करते हैं वो पांच कारें हाँ जो दो डिफरेंट नाम के टोटल साथ टोटल सात कारें भारतीय बाजार में आज की डेट में आती है जो असली हाइब्रिड कार है एक नंबर पर या किसी से भी शुरुआत कर लेते हैं होंडा सिटी ई एच ई वी 1.5 यह -e लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो कि एक लगभग एक किलोवाट से थोड़ा कम मोटर बैटरी पैक के साथ भी आती है और यह है, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों पर पे चल सकती है ऐसी नौबत आती है जब पेट्रोल इंजन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और यह कार बड़ी मक्खन से चलती रहती है और यह अपने सेगमेंट में शायद इस पूरी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली कार बन जाती है यानी यह है असली हाइब्रिड ई एच ई वी और यह देती है लगभग साढ़े चौबीस से लेकर छब्बीस किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फायदा पॉल्यूशन नहीं होता दूसरा फायदा इतना तगड़ा एवरेज मिलेगा तो लोग ऑल्टो क्यों लेंगे स्कूटर क्यों लेंगे बिल्कुल सही बात है ये रियली बहुत अच्छा एवरेज दे देती है और शायद ये रीजन है कि इस कार के लोग दीवाने और यही एक रीजन है जो लोगों को हाइब्रिड कारों की तरफ आकर्षित करता है और इसको धोखा देने के लिए कंपनी अपनी कारों के आगे हाइब्रिड लिखकर बेच देती है जबकि वह हाइब्रिड नहीं होती यानी वो मेरी नजर में फर्जी हाइब्रिड होती जिन्हें आप अलग अलग नामों से जान गए इसकी कीमत भारतीय बाजार में 18 लैख एट्टी नाइन थाउजेंड रुपीज से इस समय शुरू होती है हो सकता है आप वीडियो कुछ महीनों बाद देखें तो हो सकता है उस समय कीमत बढ़ जाए कुछ साल बाद देखें और भी ज्यादा बढ़ जाए तो ये आज की डेट में है और डेट नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको दिख जाएंगे हॉन्डर सिटी ई एच रियली बहुत बेहतरीन बहुत ज्यादा बेहतरीन हाइब्रिड सेटअप के साथ है और यह रियली फेल प्रूफ हाइब्रिड सेटअप है और सारे इसीलिए लोग हाइब्रिड के दीवाने बनते हैं अब बात करते हैं एक दूसरे हाइब्रिड कार के बारे में जो भांति बाजार में आती है और वह आती है टाइटा के तरह से नाम है इसका वेलफायर हाँ टोयटा वेलफायर एक बड़ी भारी भरकम एम है जो 1.2 करोड़ रुपए से शुरू होती है हाँ, हाँ कार है, महंगी होती है क्यों महंगी होती है वीडियो को अंत में बताऊंगा 1.2 करोड़ रुपीस के साथ या 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है ऑलमोस्ट 193 नाइनटी की पावर देता है यह इंजन और 240 फोर्टी एम का टॉप देता है और यह एक बेहतरीन 17 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इफिशेंसी प्रोवाइड कर देती है इतनी भारी भरकम गाड़ी होने के बावजूद भी अगर स्मूथ ड्राइव की जाए वह ना तो यह फोर्टीन फिफ्टीन बड़े आराम से प्रोवाइड करती है अपने पेट्रोल इंजन के साथ और वेलफायर को बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज चलना पसंद करते हैं चाहे बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज तेलुगु फिल्मों के हों या तमिल फिल्मों के या इंडियन फिल्मों के हों वह भी इसको बहुत पसंद करते हैं ओवरऑल वेलफायर उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो बड़ी लग्जरी कारों से चलना चाहते हैं जिनके साथ उनके कई गार्ड्स भी चलते हैं और यह आरामदायक बहुत है और शायद यही रीजन है ये कई सेलिब्रिटीज इसके दीवाने और फ्यूल एफिशिएंसी तो केवल बहाना है एक्चुअल में वह पॉल्यूशन कम रखने के रीजन से वह ऐसे इस कार से चलना पसंद करते हैं अब बढ़ते हैं अगली कार दर, की तरफ जो कि है टोयटा फैमिली से ही टोयटा कैमरी यह फोर्टी सिक्स लाख सेवनटीन थाउजेंड रुपीज में या 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो लगभग 178 सेवेंटी की पावर देता है 221 ट्वेंटी वन टॉक के साथ और कंबाइंड यह दो सौ की पावर प्रोवाइड करता है बेहतरीन रियली बहुत सुपर स्मूथ हाइब्रिड कार है यह भी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ चल सकती है यानी बगैर पेट्रोल इंजन चलाए हुए भी यह गाड़ी अपनी जगह से चल सकती है और काफी अच्छी फ्यूल इफिशेंसी प्रोवाइड करती है सिटी में आप बड़ी आसानी से इसके साथ 18 से लेकर 20 की फ्यूल इफिशेंसी पा सकते हैं हाईवे पर है, 20 से लेकर 23, 24 तक की फ्यूल इफिशियंसी दे देती है अगर आप स्मूथ ड्राइव कर पाते हैं तो ओवरऑल कैमरी उन एग्जीक्यूटिव कारों में से एक है जिनमें लोग पीछे बैठ के चलना पसंद करते हैं इंडियन मार्केट में बहुत कम गिनती में बिकती है समझें 46 लाख ,00 रुपीस किस कीमत होगी वह सस्ती तो नहीं कहलाएगी और इसीलिए यह कम गिनती में बिकती है अब बढ़ते हैं एक और हाइब्रिड कार के बारे में जिसे हम लोगों ने बहुत पसंद भी किया है मैं बात कर रहा हूँ टोयटा हाई राइडर और माउती सुजुकी के प्लेटफॉर्म से निकली हुई ग्रैंड विटारा। यह दो तरह के इंजन ऑप्शंस के साथ आती है एक तो मारुति सुजुकी का 1.5 लीटर के सीरीज इंजन है दूसरा है टोयोटा की अपनी फैक्ट्री जापान से बनके आया हुआ प्योर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन हां मैं उस इंजन को हाइब्रिड इंजन कहता वो वन पॉइंट फाइव जो माइल्ड सेटअप के साथ आता है मैं उसे हाइब्रिड नहीं कहता इसीलिए जब आप मेरे मैं कहूं कि यह हाइब्रिड कार है तो आप समझे कि वह असली हाइब्रिड कार है वरना मैं साफ साफ शब्दों में माइल्ड हाइब्रिड का प्रयोग करता वो अलग बात है कि मैं उसे हाइब्रिड मानता ही क्योंकि उससे बेनिफिट वैसा नहीं होता है और लोगों को कंफ्यूज करता है इसलिए तो असली हाइब्रिड वो एजेंट के साथ आती है कीमत शुरू हो जाती है सिक्सटीन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज में हाईड्राइडा के साथ और एटीन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज पर आज की डेट में ग्रैंड विटारा के साथ और यह प्राइजे एक्स शोरूम प्राइस है यह बेहतरीन बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है बहुत से लोगों ने इससे 24, 26 की फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाली है हालांकि जब कारगुरु ने इसको खूब चलाया था खूब ज्यादा चलाया था कई बार चलाया और इसने उन्हें लगभग साढ़े बाईस और तेईस की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड की है ओवरऑल साइकिल में अगर आपसे वीडियो मिस हो गया हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और यह इसीलिए बहुत पसंद की जाती है शायद इंडिया में बिकने वाली सबसे कम कीमत की असली हाइब्रिड कार यही है यही है यही है इसके अलावा बाकी सब दिखावा है दिखावा है झूठ असली हाइब्रिड कार सबसे सस्ती यही है खरीदना चाहिए काफी कंफर्टेबल रिलायबल और अच्छा सेटल बॉडी के साथ आती है बहुत अच्छी ग्राउंड के साथ है और शायद यही रीजन है कि ग्रीन विटारा और हाईडर दोनों भारतीयों को बहुत पसंद आती है जब उन्हें ज्यादा फ्यूल इफिशेंसी चाहिए होती है तो वह हाइब्रिड की तरफ चले जाते हैं एक और भी है जो भारतीय बाजार में अपने हाइब्रिड सेटअप के साथ आती है यह भी टोयोटा और मारुति सुजुकी के साथ में आती है टोयोटा इसे हाईक्रॉस के नाम से भारतीय बाजार में बेचता है वही मारुति सुजुकी अपने नेक्सा प्लेटफॉर्म के थ्रू इसे इन के नाम से बेचती है भारतीय बाजार में यह दोनों ही एमपीवी लंबी वेटिंग के साथ आती है टाटा में तो कुछ लोगों को एक साल बाद भी इस कार की डिलीवरी नहीं मिल सकी रीजन केवल इसका हाइब्रिड होना था क्योंकि हाइब्रिड अवतार में यह बहुत अच्छी फ्यूल इफिशंसी प्रोवाइड करती है यह टूरिटा इंजन के साथ आती है जिसकी कीमत इन्विक्टो में ट्वेंटी फोर एट्टी टू थाउजेंड रुपीज है और हाई क्लॉस में यह ट्वेंटी फाइव लैख थर्टी थाउजेंड रुपीज में हाइब्रिड सेटअप के साथ आती है यह बहुत कंफर्टेबल सेवन सीटर के तौर पर जानी जाती है और यह कंप्लीट फुल फ्लैश सेवन सीटर है बहुत अच्छी फ्यूल फ्यूअलफिस बहुत अच्छी शानदार राइड क्वालिटी और हाई हाईकॉस्ट में आपको एडास वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं और इन में एडास वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं और शायद इसीलिए उसकी कीमत कुछ मामूली सी। कम है सिटी में यह गाड़ी बड़ी आसानी से आपको 18 से लेकर 20 की फ्यूल फ्यूलसी प्रोवाइड तो कर देती है हाईवे पे यह 22 के आसपास की फ्यूल इफिशेंसी दे देती है ओवरऑल बहुत अच्छी बेहतरीन फ्यूल इफिशेंसी की वजह से हाई क्रॉस और इनविक्टो को लोग पसंद करते हैं यह तो थी वो असली हाइब्रिड कारें जो भारतीय बाजार में आती हैं इनके अलावा जितनी भी कारों को लोग हाइब्रिड कह के बुलाते हैं वो सब या तो माइल्ड हाइब्रिड हैं या वो सो कार्ड स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ हैं जिन्हें एक कंपनी तो माइक्रो हाइब्रिड कहके बुला के लोगों को बरगलाती रही मैं बरगलाना ही कहूँगा क्योंकि उनको भी पता था कि यह गाड़ी दूसरे मोटर की तह से टॉक प्रोवाइड नहीं करती है ड्राइव करते समय फिर भी वह इसको माइक्रो लगाकर हाइब्रिड कहके बेचते रहे जो एक्चुअल में धोखा था शायद इस वजह से अब उन्होंने वो माइक्रो हाइब्रिड वाले स्टिकर लगाने बंद कर दिया है शायद थैंक गॉड कंपनी को समझ में आ गया कि सही इंफॉर्मेशन के साथ गाड़ी बेचना इज्जत कमाने जैसा है और गलत इन्फॉर्म करके गाड़ी बेचना कटाने के बराबर है प्लीज ऐसा ना करें और इस बारे में ऑलरेडी कई कंट्रोवर्सीज हो चुकी थी और इसीलिए जरूरी था कि मैं उनसे कहूँ कि वह बंद करें अब बाकी जो कारें रही हैं भारतीय बाज़ार में जो अपने माइल्ड हाइब्रिट सेटअप के साथ आती हैं यानी उनके बीतर फोर्टी एट वोल्ट सेवेंटी वोल्ट छोटे बैटरी पैक आता है और साथ ही उसमें एक छोटी सी असिस्ट मोटर मिल जाती है जो पेट्रोल के साथ साथ भी चलती रहती है ताकि थोड़ा कम पेट्रोल खर्च हो थोड़ी बैटरी की पावर से भी गुजारा हो जाए लेकिन वो कारें कभी भी इलेक्ट्रिक मोटर से चल नहीं सकती हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक मोटर बस थोड़ी सी ताकत दे देती है जैसे छह लोग धक्का लगाए थे तो एक सातवें आदमी ने भी धक्का लगा दिया बस उतनी ही पावर है इतनी पावर नहीं है कि वो सातवें आदमी अपने अकेले दम पर गाड़ी चला के ले जाए इसलिए उनको माइल्ड हाइब्रिड कह के बुलाया जाता है ऐसी कुछ कारों के एग्जाम्पल दूँ तो ग्रैंड विटारा हाइडर भी अपने माइल्ड हाइब्रिड सेटअप के साथ आती है वजा अपने ऑटोमेटिक अवतार में माइल्ड हाइब्रिड सेटअप के साथ आती है और भी कुछ कारें हैं जो अपने माइल्ड हाइब्रिड अवतार के साथ आती हैं जिनमें कि एम जी हेक्टर और मैं कुछ नाम याद आएंगे तो उनके बारे में बता दिया जाएगा अगर कभी आपको मौका लगा तो ओवरऑल भारतीय बाजार में हम लोगों को इन माइल्ड हाइब्रिट सेटअप को एक्चुअल में हाइब्रिड कह से बचना चाहिए क्योंकि इनसे वो बचत नहीं मिलती है जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं एक कार ऐसी है जो माइल्ड हाइब्रिड और हाइब्रिड दोनों के साथ आती है ग्रेन विटारा जिसमें कि आपको लगभग तेईस का एवरेज मिल जाता है हाइब्रिड में जबकि नॉन हाइब्रिड में वो गाड़ी केवल आपको फोर्टीन फिफ्टीन का एवरेज देती है तो समझ गया ना माइल्ड हाइब्रिड एवरेज वही नॉर्मल पेट्रोल जितना ही देती है जबकि असली हाइब्रिड एक्चुअल में ज्यादा एवरेज देती है उम्मीद है इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि माइल हाइब्रिड कारों को हाइब्रिड समझने की भूल नहीं करनी चाहिए इसलिए कारगो बहुत आसान भाषा में उसको फर्जी हाइब्रिड कहके के आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप इनके बहकावे में ना आए ये एक्चुअल में कोई हाइब्रिड सेटअप नहीं है ये केवल और केवल थोड़ा सा हेल्प कर देता है आपको मामूली सा लगभग ना के बराबर एवरेज बढ़ाने में क्योंकि तो एवरेज असली हाइब्रिड से आपने देख लिया पंद्रह के बदले सीधे 22 चौबीस का आता है इसे ही कहते हैं हाइब्रिड उम्मीद है अब आप जान चुके होंगे कि असली हाइब्रिड क्या होती है और मैं आपको एक चीज बता दूं अभी अफवाहें उड़ रही हैं कि मावती सुजुकी अपनी स्विफ्ट हाइब्रिड के साथ लेके आ रहा है इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है ये भी असली हाइब्रिड के साथ नहीं आ रही है नहीं आ रही है नहीं आ रही है तो क्या इसके साथ भी वही माइल्ड या फर्जी हाइब्रिड होगा सब मे बता देगा पूरी बातें फिलहाल 2024 में हम हाइब्रिड कारें और ज्यादा उम्मीद रखते तो हैं मगर कोई कंपनी इसकी तैयारियों में नहीं लगी हुई है सीधे सच्चे शब्दों में कहूँ महिंद्रा के पास कोई हाइब्रिड सेटअप नहीं है टाटा के पास कोई हाइब्रिड सेटअप नहीं है अभी हंडई और किया इंडिया में कोई हाइब्रिड कार बहुत जल्दी लॉन्च करने के बुड़वे नहीं है अगर हाइब्रिड कार कोई कंपनी इंडिया में ला सकती है तो हो सकता है कि वह एम जी मोटर्स बाकी किसी के साथ हमें और उम्मीद नहीं है ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी क्लैरिटी मिली होगी ईमानदारी से सब समझ में आ गया होगा तो लाइक करने में संकोच क्यों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हाइब्रिड हाइब्रिड चिल्लाते हैं और जानते भी नहीं हैं कि असली हाइब्रिड होती क्या है और वह कारें क्यों महंगी होती हैं यह बता दे रहा हूं क्योंकि उनके साथ बैटरी और मोटर दोनों एक इलेक्ट्रिक कारों का सेटअप होता है यानी पेट्रोल इंजन की पूरी दमखम लगता है और इलेक्ट्रिक कारों का दमखम लगता है जब इलेक्ट्रिक कार की कीमत जुड़ जाएगी पेट्रोल कार की की कीमत जुड़ जाएगी तो कीमत तो दोनों की मिलकर ज्यादा ही होगी कम नहीं हो सकती है यानी असली हाइब्रिड कारें कभी भी नॉर्मल पेट्रोल कारों के बराबर या सस्ती कभी नहीं हो सकती उम्मीद है ये आसान तरीका समझने में आपकी हेल्प कर रहा होगा फेसबुक पर देखे तो मेरे पेज को लाइक कीजिए फॉलो करना ना भूलिए यूट्यूब पे देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा और चटपटे यूट्यूब वीडियो देखने हैं तो दूसरे लोग मौजूद हैं एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो बने रहिए आस कारगुल के साथ